Good morning students. Now today we are going to see about the lecture number 14. In this lecture we are going to study about the specification of the constraints as assertions and actions as triggers. That means first of all we are going to see what is an assertion constraint and how these assertion constraints work as actions that triggers the actions inside in the database. So before going into the greater depth, first of all we must know what is the semantic constraint. That means we are having the EER entity enhanced model and we are having the relational model. Now if we say about the semantic constraint, that means how the context, how the syntax of that model is going to be defined, that we are going to ascertain on the basis of certain commands. If I say we are having the create assertion, that means we specify additional types of constraint outside the scope of built-in relational model constraint. हमारे पास जितने भी कॉन्स्ट्रेंट अभी तक हमने देखे थे, चाहे डोमेन कॉन्स्ट्रेंट था, की था, एंटिटी इंटीग्रिटी था या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी था, इसके अलावा अगर हमें कोई भी कॉन्स्ट्रेंट स्पेसिफाई करना है बाहर का, तो हम क्रिएट असर्शन कमांड को यूज़ करते हैं. पहली बार ये बाहर का बिल्ट इन रिलेशनल मॉडल के बेसिस पर यूज़ किया जाता है. दूसरा है क्रिएट ट्रिगर. क्रिएट ट्रिगर बताता है ऑटोमेटिक एक्शंस दैट डेटाबेस सिस्टम विल परफॉर्म व्हेन सर्टेन इवेंट्स एंड कंडीशंस अकर. तो मेरे पास क्रिएट ट्रिगर यही बताता है कि मैं किस तरीके से उसको डिफाइन करूंगा, कैसे स्टडी करूंगा और कैसे उसको बेसिकली देखूंगा. तो मेरे पास यही डिस्कशन निकल कर आता है कि असर्शन के बेसिस पे कैसे काम होता है और ट्रिगर के बेसिस पर कैसे काम होता है. अगर मैं क्रिएट ट्रिगर करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक एक्शन ले लेगा जो कि डेटाबेस को परफॉर्म करना होगा जब भी कोई भी इवेंट या कंडीशन उसके पास आएगी. अब अगर हम सबसे पहले इन दो कमांड्स के बारे में प्रॉपरली देखें तो वो कैसे काम करते हैं, SQL कैसे क्रिएट करती है, यही सब हम इसके अंदर देखेंगे. सबसे पहली बात, मेरे पास क्रिएट असर्शन. जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं कोई क्वेरी लिखता हूँ जिसके अंदर कोई भी मुझे टपल्स को सेलेक्ट करना है जो कि उस कंडीशन को वॉयलेट करते हैं, भाई हम क्वेरी के अंदर कोई कंडीशन लेते हैं उस कंडीशन को वो वॉयलेट कर देता है, तो मेरे पास क्रिएट असर्शन यूज़ किया जाएगा. इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज़ ओनली इन केसेस वेयर इट गोज बियॉन्ड अ सिंपल चेक. मान लीजिए चेक की कंडीशन काम नहीं कर रही है और हमें चेक से आगे जाना है, तो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट और डोमेन के अंदर हम क्रिएट असर्शन को यूज़ करेंगे. तो क्रिएट असर्शन हमें यही सब बताता है. तो क्रिएट असर्शन क्या कहता है, अगर हम सिंटेक्स देखें तो क्रिएट असर्शन सैलरी कॉन्स्टेंट चेक नॉट एग्जिस्ट, फिर मेरे पास ये क्वेरी डिफाइन होती है. तो क्रिएट असर्शन के बेसिस पे मैं यही सबको डिफाइन करता हूँ. अब आता है ट्रिगर, जैसा कि दूसरा कमांड है. हमारे को डेटाबेस पे कभी कभी कुछ भी डेटाबेस के अंदर मॉनिटरिंग करनी है, डेटाबेस के अंदर हम कुछ भी करना चाहते हैं, तो हम क्रिएट ट्रिगर स्टेटमेंट SQL के यूज़ करते हैं, क्योंकि SQL के थ्रू ही हम डेटाबेस में कुछ भी काम करते हैं. तो SQL का हमारे पास क्रिएट ट्रिगर कमांड इसीलिए यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू हम उसे डिफाइन करते हैं. ट्रिपिक अगर कॉमन कमांड देखें तो डेटाबेस को एक्टिव करने के लिए इवेंट, कंडीशन और एक्शन होते हैं. मतलब तीन कंपोनेंट होते हैं ट्रिगर जिनसे काम करता है. सबसे पहले वो इवेंट को नोटिस करता है, फिर जो कंडीशन हमने दी है उसको यूज़ करता है, और फिर क्या एक्शन उस डेटाबेस पर वो लेता है. तो ट्रिगर मतलब जैसे ट्रिगर दबाते हैं वैसे ही ट्रिगर किसी भी डेटाबेस में काम करता है. अब अगर हम यूज़ ऑफ ट्रिगर देखें तो उसका एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स होता है, जैसे क्रिएट ट्रिगर सैलरी वायलेशन. सैलरी का वॉयलेशन हुआ है, सैलरी की कंडीशन गलत ली गई है, सैलरी की कंडीशन को गलत डिफाइन किया गया है, आउटपुट गलत आया था क्वेरी में, तो इसका मतलब हमने ट्रिगर किया बिफोर इंसर्ट और अपडेट ऑफ सैलरी. कहाँ पे, जब भी डेटाबेस में सैलरी अपडेट हो या इंसर्ट नई वैल्यू हो उससे पहले हमें ट्रिगर कर देना है. किसमें, सुपरवाइजर सोशल सिक्योरिटी नंबर और एम्प्लॉय. सुपरवाइजर का सोशल सिक्योरिटी नंबर हमने गलत लिया है एम्प्लॉय के अंदर. फॉर ईच रो, हर रो में व्हेन नई सैलरी आए तो सेलेक्ट करें सैलरी एम्प्लॉई से, जिसमें सोशल सिक्योरिटी नंबर को नए सुपरवाइजर के थ्रू डिफाइन किया गया है. इन्फॉर्म करें सुपरवाइजर को कि नया सुपरवाइजर सोशल सिक्योरिटी नंबर है और न्यू SSN हमारे पास जनरेट हो रहा है. तो कहने की बात क्या है, हमने यहाँ पे सैलरी को गड़बड़ करा था, तो उसके बेसिस पे ही हमने क्रिएट किया ट्रिगर और उसको हमने एनालाइज करके देखा है. इसी तरीके से हमारे पास कुछ वर्चुअल टेबल्स भी होते हैं. वर्चुअल टेबल हम यूज़ नहीं करते हैं, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम सिंगल टेबल से कोई डिफाइन करते हैं टेबल्स को, तो हम वर्चुअल टेबल को डिफाइन करते हैं. इसके लिए मेरे पास क्रिएट व्यू कमांड होता है और उसके बाद ड्रॉप व्यू होता है, स्ट्रेटजी होती है, क्वेरी को मॉडिफाई करते हैं. ये सब हमें पता होना चाहिए, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा. वैसे सिलेबस में नहीं है ना ये आपको किसी काम, बस एक SQL के अंदर कैसे यूज़ होता है ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा. हमारे काम की चीज़ है स्कीमा का चेंज.
अगर हमें स्कीमा को चेंज करना होता है, हमने कंपनी स्कीमा बना दिया, अब हमें चेंज करना है, तो डीबीए के पास राइट है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास राइट है, वो उसको चेंज करना चाहता है, तो वो चेंज करेगा जब हमें रिकम्पाइलेशन करना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास ड्रॉप कमांड होगा, जो कि स्कीमा के एलिमेंट को ड्रॉप, मेरे पास ड्रॉप कमांड है जिसमें कि मैं स्कीमा के एलिमेंट को ड्रॉप करता हूँ, जिससे कि टेबल डोमेन सब हट जाएगा। ड्रॉप का बिहेवियर क्या होता है, या तो कैस्केडिंग होती है रिस्ट्रिक्ट, जैसे कि ड्रॉप स्कीमा कंपनी कैस्केड, मतलब स्कीमा जो कंपनी का था उसको ड्रॉप करना है, रिमूव करना है स्कीमा को, और उसके सारे एलिमेंट को जो कि टेबल व्यू कॉन्स्टेंट थे सबको हटा देना है। तो कैस्केडिंग और रिस्ट्रिक्ट, कैस्केड मतलब पूरा, रिस्ट्रिक्ट मतलब कुछ पोर्शंस को हटाना है, ड्रॉप कमांड को बताना है। इसी तरीके से ऑल्टर होता है, ऑल्टर मतलब अगर किसी कॉलम की वैल्यू को, एट्रीब्यूट को चेंज करना है, नया डिफाइन करना है, तो हम कॉलम को यूज़ करते हैं, जैसे ऑल्टर टेबल कंपनी एम्प्लॉय एट कॉलम जॉब वेरिकर, मतलब टेबल जो कंपनी का टेबल था उसको ऑल्टर करना है, किसको करना है, एम्प्लॉय के टेबल को, क्या करना है, ऐड करना है कॉलम, कौन सा, जॉब, तो उसका वेरिएबल कैरेक्टर कितना है, 12 साइज का जॉब एक नया कॉलम एम्प्लॉय के टेबल में कंपनी रिलेशनल में हमें ऐड करना है, तो वो ऑल्टर काम करेगा। इसी तरीके से एडिंग और ड्रॉपिंग की कुछ कंडीशंस होती हैं, ऐसा नहीं है हम हमेशा हटा लेंगे और हमेशा ऐड कर लेंगे, हमारे पास एक लिस्ट होगी, ऐड और ड्रॉप नेम कॉन्स्टेंट, हमारे पास टेबल में हमें जिसको भी हटाना है उसके पास नेम्ड कॉन्स्टेंट होगा, ऑल्टर टेबल कंपनी डॉट एम्प्लॉय, मतलब कौन सा टेबल आप रिलेशन स्कीमा का चेंज करना चाहते हैं। दूसरी बात, ड्रॉप कॉन्स्टेंट एम्प्लॉय सुपर एफ के कैस्केड। दूसरी बात, किसको ऐड करना चाहते हैं, किसको ड्रॉप करना चाहते हैं, नेम्ड कॉन्स्टेंट क्या है, ये सब हमारे पास होगा। ड्रॉपिंग कॉलम में भी अगर कॉलम को ड्रॉप करना है तब भी हमें कैस्केड होगा या रिस्ट्रिक्ट होगा, पूरा कॉलम चाहते हैं, थोड़ा सा चाहते हैं, उसके बाद किस तरीके से चाहते हैं, ये सब हमें बताना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जनरल कंडीशंस थी जिनके बेसिस पर हम उन्हें देखते हैं। अब अगर हम पूरी SQL की अगर सिंपल जो टेबल्स हैं वो देखें, तो ये पूरे SQL के टेबल्स के कमांड हैं जो हम अभी तक पढ़कर आए हैं। क्रिएट टेबल में टेबल नेम होता है, कॉलम नेम होता है, कॉलम टाइप होता है, एट्रीब्यूट होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, इस तरीके से करता है। ड्रॉप टेबल में टेबल का नाम होता है, ऑल्टर टेबल में टेबल का नाम और कॉलम के नाम और उनके टाइप। सेलेक्ट इस तरीके से काम करता है, ग्रुप ऑर्डर इस तरीके से काम करता है। ये पूरी एक सिंटैक्स है, समरी है, जो कि हमें बताती है। विद दिस द कंप्लीट यूनिट 2 हैज बीन फिनिश्ड। ओके, थैंक यू।